ज्ञानवापी परिसर स्थित वजू खाने का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। आज होने वाली सुनवाई में पहली बार दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे। पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष कोर्ट में पेश नहीं हुआ था और श्रृंगार गोरी केस की मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह की तरफ से याचिका दाखिल की गई है और याचिका में कहा गया है कि जिस तरह से ज्ञानवापी के पूरे परिसर का सर्वे किया गया उसी तरह से सील वजूखाने का भी सर्वे किया जाना चाहिए। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई होगी। लोकसभा चुनाव में कम सीटें मिलने के बाद में बीजेपी समीक्षा बैठकें कर रही है और कारणों की तलाश कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट में उपचुनावों को लेकर नई रणनीति बनाई गई है और बीजेपी ने दलित नेताओं को दलित बस्तियों में जाकर प्रवास अभियान शुरू करने को भी कहा है जो कल से शुरू हो रहा है और बीजेपी के एक बार फिर से ओबीसी और दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने की मुहिम में जुट गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। लोकसभा चुनाव में जो कमी रह गई थी उसे बीजेपी अब उपचुनाव में पूरा करने की कोशिश में है। यही वजह है कि बीजेपी ने लगातार समीक्षा बैठक की। बीजेपी के आंतरिक बैठकों से रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में सामने आया है कि दलित और कुर्मी वोटरों ने बीजेपी के उम्मीदों के मुताबिक वोट नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की पिछले दिनों हुई आंतरिक बैठक में यह तय किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बीजेपी को 12% उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक मिलता था इस बार 6% ही रह गया लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि इस दलित वोट बैंक को साधा जाए और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी दलितों की बस्तियों में जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े दलित नेता हैं वो जाएंगे, प्रवास करेंगे और भोजन का कार्यक्रम करेंगे। अब बीजेपी ने इसके लिए नई रणनीति बनाई है। बीजेपी उपचुनाव की सभी सीटों पर मंगलवार से पदाधिकारियों के दौरे शुरू होने जा रहे हैं। दलित और ओबीसी बस्तियों में प्रवास अभियान, बीजेपी के बड़े दलित नेता इसमें शामिल होंगे। दलितों की बस्तियों में सहभोज कार्यक्रम, ओबीसी कुर्मी वोट बैंक छिटकने से बीजेपी परेशान। हम लोगों ने अपने संगठन में सभी कार्यकर्ताओं को, जो वरिष्ठ लोग हैं, उन्हें विधानसभा से जिम्मेवारी दी है और जो नीचे संगठनात्मक काम है हमारा, उन कामों को पूरा करके हम लोग पूरी तैयारी के साथ जैसे भी चुनाव की घोषणा होगी हम लोग अपने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। यूपी में बीजेपी दलित वोट बैंक पहले 12% था, इस बार लोकसभा चुनाव में ये महज 6% रह गया। ओबीसी में कुर्मी बिरादरी का वोट भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी कम मिला। अब यूपी में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी अपने वोट बैंक को सहेजने के लिए कई अभियान शुरू करने जा रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने एक नकारात्मक एजेंडे के आधार पर लोगों को गुमराह करने का काम किया है, लेकिन हम लोग पूरी तैयारी के साथ और अपने पूरे कामकाज के साथ और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत का, उस संकल्प के साथ जनता के बीच में जाएंगे। हम अपने कार्यक्रम अभियानों के माध्यम से समाज के सब वर्गों में एक व्यापक जनसंपर्क का कार्यक्रम और अपने कामकाज का लेखा जोखा जनता के बीच में रखेंगे। विधानसभा की 10 सीटों पर बीजेपी नेता वहां के सियासी समीकरणों की रिपोर्ट तैयार करेंगे। उसके बाद ये रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंपी जाएगी। उसी आधार पर आगे की रणनीति तय होगी। बीजेपी की कोशिश है कि जो लोकसभा चुनाव में वोट बैंक खिसका था उसे इस उपचुनाव में साधा जाए। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों को साधने के लिए अभियान शुरू करने जा रही है भोज के, और इसके अलावा दलित बस्तियों में प्रवास के कार्यक्रम होंगे बड़े नेताओं के, जो दलित नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कुर्मियों को साधने के लिए कुर्मी बाहुल्य बस्तियों में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता समन्वय अभियान चलाएंगे। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। तो वहीं सांसद राहुल गांधी का आज रायबरेली दौरा है और सुबह 9:30 बजे के आसपास राहुल गांधी फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इसके बाद में 9:45 बजे के करीब गेस्ट हाउस पहुंच जाएंगे
और इसके बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं, वकील डॉक्टर संघ और व्यापार मंडल से मुलाकात करेंगे। कीर्ति चक्र सम्मानित कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति भी राहुल गांधी से गेस्ट हाउस में मुलाकात करेंगे। बैठकों के बाद में राहुल गांधी मुंशीगंज शहीद स्मारक पहुंचेंगे। प्रयागराज में अवैध प्लॉटिंग पर पीडीए का बुलडोजर एक्शन जारी है। जोन संख्या 5 और 6 बीघे में की गई अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला। आरोप के मुताबिक पीडीए से बगैर लेआउट मंजूर कराए अवैध प्लॉटिंग की गई थी और इस कार्रवाई के दौरान में बड़ी संख्या में सराय इनायत थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अवैध प्लॉटिंग की गई थी, अब इसको ध्वस्त किया गया है और साथ ही पूरी जगह को खाली कराया गया है। क्या हुआ? उन्नाव में सिरफिरे आशिक ने लड़की के घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। लड़की की मां की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि लड़की, उसके पिता और बहन, 3 लोग घायल है। घायलों का कानपुर के हैलेट अस्पताल में इलाज जारी है। घटना को अंजाम देने के बाद में आरोपी ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आरोपी ने वारदात को अंजाम देने से पहले एक वीडियो बनाकर घटना को अंजाम देने का ऐलान किया था। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस घटना को रोक पाने में नाकाम रही। दरोगा और सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया। घटना फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के गांव की है। अनुराग का एक लड़की से प्रेम प्रसंग था। लड़की के परिवार ने अनुराग और उसके दोस्त के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा भी दर्ज कराया था और जेल से रिहा होने के बाद में अनुराग ने मुकदमे की रंजिश में लड़की और उसके परिवार को खत्म करने के लिए खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। एक अच्छे खासे इंसान को तुमने राक्षस बनने पे मजबूर कर दिया। कसम से बता रहा हूँ, बोलता था मेरे से बात मत करो, तब नहीं मानती थी। नहीं बाबू हो तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, ये कर लूँगी वो कर लूँगी। अभी जीना बिल्कुल हराम कर दिया। तेरे घर वाले बिल्कुल झूठ पे झूठ, दूसरी लड़की का मेरे पे मुकदमा लगवाने गए। आज अगर मुकदमा लगवा दिया तो मन समझ ले तू गई, मैं भी मर जाऊँगा, तुम भी मर जाऊँगा। भाई तूने एक अच्छे खासे कमाते इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसे एक हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। थाना फतेहपुर 84 पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज हेतु CHC फतेहपुर 84 में भर्ती कराया गया, जहां पर फूल कुमारी को मृत घोषित कर दिया गया है। गांव गोड़ियन खेड़ा के लोगों द्वारा, परिजनों द्वारा बताया गया कि गोड़ियन खेड़ा के ही अनुराग पाल पुत्र पाल उम्र 22 वर्ष द्वारा फायरिंग की गई और गांव में जानकारी से यह भी ज्ञात हुआ कि अनुराग पाल पुत्र पाल द्वारा गांव से बाहर कुछ दूरी पर स्वयं गोली मारकर हत्या कर ली गई है। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर 38 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने CBI से शाम 5 बजे तक स्टेटस रिपोर्ट तलब की और कोर्ट ने कहा है कि हम नीट परीक्षा की पवित्रता सुनिश्चित करने के बारे में चिंतित हैं ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। सरकार को प्रसिद्ध विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने पर विचार करना जरूरी है। कोर्ट ने काउंसलिंग पर फैसला केंद्र सरकार और NTA के जिम्मे छोड़ दिया है और पूरे मामले में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं इस पर NTA और केंद्र सरकार को जवाब देना है। CBI को भी स्टेटस रिपोर्ट बुधवार शाम 5 बजे तक देनी होगी और गुरुवार यानी कि 11 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी।